नंबर एक, नेपाल के लोग एक दूसरे को मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते बल्कि दोनों हाथ जोड़कर हमारे देश भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। नंबर दो, नेपाल की 80% आबादी हिंदू धर्म का पालन करते हैं जबकि यहाँ 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। नंबर तीन, नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। नंबर चार, नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है। वैसे तो नेपाल एक छोटा देश है लेकिन फिर भी यहाँ पर 123 भाषाएं बोली जाती है। नंबर पाँच, नेपालियों को भारत आने पर कोई पासपोर्ट नहीं लगता इसीलिए बहुत सारे नेपाली लोग इंडिया में काम करने आते हैं क्योंकि नेपाल के लोग एक दिन का $1 भी नहीं कमा पाते इसीलिए नेपाल को सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। नंबर छह, नेपाल का समय टाइम जोन के आधारित नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है। देखा जाए तो नेपाल का समय विश्व मानक समय से 45 मिनट पीछे चल रहा है।